हम लोग के डेबिट कार्ड खासकर क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटीज आपको मिलती है, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी। हमेशा जब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बेनिफिट्स और फीचर्स की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर मेंशन होता है कि फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटीज मिल रही है, कि यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। एक्चुअली में लॉन्च एक्सेस होता क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इससे पहले मैं भी 2-3 सालों से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो लॉन्च एक्सेस का यूज़ मैंने अभी तक नहीं किया था। रिसेंट मैं अभी बैंगलोर गया और दिल्ली गया तो यहाँ पर लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटीज़ मैंने यूज़ किया फ्री में। तो इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँगा कैसे आप भी अपने कार्ड का यूज़ करके फ्री में लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग जब भी फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको एक लॉन्च एक्सेस मिलेगा। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ किसी भी स्टाफ से पूछ सकते हैं कि लॉन्च एक्सेस कहाँ पे, वो आपको बता दे। जैसे मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे गया था तो वहाँ देखिए इस तरह का बैनर लगा हुआ था लॉन्च एक्सेस का, BLR डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस। अगर आपको नहीं पता, आप नए हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि लॉन्च एक्सेस कहाँ है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद काउंटर वहाँ पर होगा, वहाँ पर सिंपली आपको जाना है कि आप मेरे पास जो है वीज़ा कार्ड है या फिर आपके पास जो भी कार्ड होगा, सभी पे लॉन्च एक्सेस अवेलेबल लगभग होता ही है। आपको टर्म एंड कंडीशन देखने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास था HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड था और यहाँ पर डेबिट कार्ड भी था, यहाँ पर वीज़ा नेटवर्क का, यहाँ पर मेरे पास एक्सिस का, फ्लिपकार्ट था और एस कार्ड था, सभी पर लॉन्च एक्सेस फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो मैंने एक कार्ड दिया, उसको स्वाइप करवाया, तो आपके पास मास्टर नेटवर्क का कार्ड होता है तो 25 रुपये ट्रांजेक्शन फी लगती है। अगर आपके पास वीज़ा नेटवर्क या फिर रुपये नेटवर्क का कार्ड होता है तो 2 रुपये ट्रांजेक्शन फी वहाँ पर लगती है। तो कार्ड वहाँ पर स्वाइप होगा, आपके अकाउंट से जो है 2 रुपये कटेंगे, आपके क्रेडिट कार्ड से मीन्स 2 रुपये कटेंगे। अगर वीज़ा और मास्टर इसका रुपये का है, अगर मास्टर नेटवर्क का है तो 25 रुपये कटते हैं। उसके बाद आप फ्री लॉन्च एक्सेस इंटर कर सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे, इस तरह का चीज़ें दिखती है। इंटर करने के बाद आपको जो चीज़ खाना है, बहुत सारे जगह पे होता है कि सेल्फ सर्विस होता है या फिर आप पर टेबल सर्विस होता है। तो जो बैंगलोर एयरपोर्ट पर मैं गया तो वहाँ सेल्फ सर्विस था, इस तरह का व्यू आपको दिखता है, बैठने का भी जगह होता है अच्छी तरीके का, और खाना जो भी आपको खाना है, जितने भी आइटम्स खाने हैं सब फ्री होते हैं, किसी के लिए आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो करना है, सारी ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है या फिर बहुत तरह का खाना यहाँ पर रखा हुआ देख सकते हैं। तीस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती है, जो भी आपको लेना है अपना ले सकते हैं, जितने देर आपको बैठना है बैठ सकते हैं, कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं होती है। तो फ्री में इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह कॉफ़ी पीना है तो खुद से आप कॉफ़ी मेक कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर स्टाफ रहते हैं उनको बोल सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो बैंगलोर का जो लॉन्च एक्सेस था वो बढ़िया था, जगह भी स्पेसियस था और बड़ा भी था। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर गया वहाँ भी लॉन्च एक्सेस फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आप जाते हैं तो यहाँ पर प्लाजा प्रीमियम लॉन्च एक्सेस करके आपको दिखेगा, इस तरीके का देख सकते हैं। तो एक छोटा सा लॉन्च एक्सेस है, इसमें क्या बहुत ही छोटा सा केबिन था तो उसने स्पेसियस नहीं था। तो वहाँ भी आपको एक काउंटर मिलता है, तो काउंटर पर जाएंगे, अपने कार्ड को आपको देना है, वो चेक करके बता देंगे आपके कार्ड पर लॉन्च एक्सेस फैसिलिटीज़ है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप 2-3 कार्ड, डेबिट कार्ड पर भी होता है, क्रेडिट कार्ड पर भी होता है, जो भी कार्ड आप देंगे, अगर लॉन्च एक्सेस फैसिलिटीज़ है तो आप स्वाइप करेंगे आपके अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से 2 रुपये कटते हैं वीज़ा नेटवर्क के लिए, और मास्टर नेटवर्क के 25 रुपये कटते हैं। तो वो कटने के बाद आप इंटर इजिली कर सकते हैं। इस तरह का आपको स्लिप मिलेगा, देख सकते हैं, मेरा मास्टर नेटवर्क का था तो यहाँ पर 25 रुपये कटे हैं ट्रांजेक्शन फी। तो ये यहाँ पर आपको दिखता है, ये दिल्ली का लॉन्च एक्सेस, यहाँ पर मेन्यू था, देख सकते हैं इस तरह का। मैं मॉर्निंग में गया था, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह ये चीज़ें होती हैं तो फ्री में। यहाँ पर टेबल सर्विस की फैसिलिटीज़ थी दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर बैठ जाना, खुद ही वहाँ पर सर्व करेंगे, आपको मेन्यू कार्ड देंगे, आपको जो चीज़ मंगवाना है तो आप इजिली मंगवा सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी पीना, जितने आइटम्स आपको मंगवाने हैं सब मंगवा सकते हैं, यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं होता है। तो मैं ये देख सकते हैं इस तरह का खाना आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो जो भी है आप जितनी बार खाना चाहें अंदर बैठ के आराम से खा सकते हैं यहाँ पर। फिर आपकी जो फ्लाइट है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं टाइम देख के। तो इस तरीके से आप फ्री में एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप फ्लाइट से ट्रेवल करें तो आप फ्री में इस फैसिलिटीज़ का यूज़ कर सकते। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी। मैं उम्मीद करता हूँ आगे जब एयरपोर्ट पर आप ट्रेवल करेंगे तो आप इस लॉन्च एक्सेस का फ्री में यूज़ करेंगे, आपको प्रोसेस सारा चीज़ समझ में आ गए। आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।